अनुज रामानुज शर्मा कला। Newness and novelty has been fascinating for men. Novelty for us is excitement and exuberance, cheerfulness and joy, passion and positiveness, surprise and science. With these golden words, let's begin our new journey. Good morning to respected Principal Sir, respected Head of the Department, Ms. Purva Sharma Ma'am, respected faculty members, and all my dear friends. I am Shudhru, host of today's event. As we all know, our AEEE club is initiated and built up by the hands of our HOD ma'am and student of our department. AEEE club includes technical, non-technical, and cultural activities. The main aim of our AEEE club is to learn something new and to gain knowledge from various fields. To make this lockdown period effective and productive, our AEEE club is introducing online Tech Talk live events. In this series of online events, the first event was Workshop on Oscilloscope. आज के हमारे इवेंट का टॉपिक है एक अभिनेता का समाज में योगदान और वह कैसे यह बखूबी ढंग से कर सकता है। छत्तीसगढ़ फिल्म उद्योग और छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग के भविष्य का गहन विवरण। Let me introduce you today's guest of honor with few lines. हमारे छत्तीसगढ़ फिल्म जगत के जाने माने चहमुखी प्रतिभा संपन्न कलाकार जेकर अभिनय ले हमर छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी ला राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर मा ख्याति मिली जेन हा छत्तीसगढ़ी सिनेमा के स्वर्णिम युग के शुरुआत करे बर जाने जाते जेन हा अपन फिल्म झन भूलो माँ बाप ला और मोर पसंदीदा फिल्म मोर छैया भुइया जैसन फिल्म बर श्रेष्ठ अभिनेता के रूप में सम्मानित हुई। छत्तीसगढ़ के पहली फिल्म कलाकार एक ऐसन अभिनेता के रूप में जेला भारत सरकार सन 2014 में कला जगत भर पद्म पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित करी। वे एक डायरेक्टर हैं, सिंगर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, छत्तीसगढ़ स्वच्छ भारत के एम्बेसडर हैं, सोशलिस्ट हैं, जिन्होंने लगातार 4 बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड हासिल किया। तो आइए दोस्तों, बुलाते हैं छत्तीसगढ़ के रत्न पद्मश्री श्री अनुज शर्मा सर जी को। हमारे समक्ष अतिथि आ रहे हैं, उनकी लाइन बोलना चाहूंगी। सपना और लक्ष्य, सपना और लक्ष्य में एक अंतर होते। सपना पर बिना मेहनत के नींद चाहिए, फिर लक्ष्य पर बिना नींद के मेहनत। शर्मा जी ने अपने जीवन काल में बहुत ही मेहनत से आज जो सक्सेस हासिल की है।
हमारे इवेंट का टॉपिक है एक अभिनेता का समाज में योगदान और वह कैसे यह बखूबी ढंग से कर सकता है। छत्तीसगढ़ी फिल्म और छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग के भविष्य का गहन विवरण। नमस्कार, जय जोहार, कैसे हैं आप लोग सब। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके कि जितने भी आप इंजीनियर्स हैं या युवा हैं सबसे एक इंटरेक्शन का मौका मिला है। सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूंगा आप लोगों की पूरी टीम को जो जिन्होंने मुझे इसमें शामिल किया और आपस में चर्चा करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मतलब कराया आप लोगों ने। और थैंक्स मैं कहना चाहूंगा पूर्वा शर्मा जी को, आप लोगों के प्रोफेसर पूर्वा शर्मा जी को, कि जिन्होंने इस पे इनिशिएटिव लिया और उन्होंने मुझे आप में लाया और मैं आप लोगों से जुड़ पाया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम लोग जिस पे बात करने वाले थे वो है एक्टर का हमारे समाज में क्या योगदान, और दूसरा सब्जेक्ट है छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग का के बारे में एक छोटी सी जानकारी और उसकी भविष्य में क्या संभावना है। तो मैं पहले दूसरे विषय पे के बारे में आपको एक ब्रीफ बताऊंगा। छत्तीसगढ़ी फिल्मों की शुरुआत 1965 में हुई थी। 1965 में पहली फिल्म आई थी कहीं दबे संदेश। कहीं दबे संदेश एक जो उसके निर्देशक थे उसके वो मनु नायक जी थे, निर्माता निर्देशक थे। तो मनु नायक जी बंबई में कुछ फिल्मों में असिस्टेंट के तौर पे काम किया करते थे और उसी समय एक फिल्म आई गंगा मैया तो है पीरी चढ़ाई, फिल्म बनाई। और ये फिल्म बनी थी एक बहुत सेंसिटिव विषय पर बनी थी। एक जो प्रेम कहानी थी फिल्म में उसमें लड़की ब्राह्मण होती है और लड़का जो है वो शेड्यूल कास्ट होता है, तो इस बात का बहुत विरोध हुआ इस विषय का। और टॉकीज जला देने की बात हुई बहुत उस समय 1965 में बहुत विवादास्पद विषय हो गया था, तो काफी सारी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ा फिल्म को रिलीज करने के लिए। लेकिन फिल्म बाद में रिलीज हुई। ये फिल्म रिलीज हुई थी 16 अप्रैल 1965 में शारदा टॉकीज दुर्ग मुकुट भाटापारा और रायपुर में एक जगह, तो इस तरह से रायपुर शायद रिलीज नहीं हुई, मुझे दो टॉकीज का ध्यान है। तो यहाँ रिलीज हुई फिल्म और फिल्म बिजनेस नहीं कर पाई, यानी फिल्म को जैसा प्रतिसाद मिलना था वैसा बॉक्स ऑफिस पे फिल्म हिट नहीं रही। उसके बाद 1971 में एक और फिल्म बनी घर द्वार। घर द्वार के विजय पांडे निर्माता थे और निरंजन तिवारी जी ने आमापारा जो है रायपुर में वहां पर रामदयाल तिवारी स्कूल है, आरडी तिवारी स्कूल है। आरडी तिवारी जी बहुत बड़े अधिवक्ता थे, बहुत बढ़िया साहित्यकार थे, उनकी गांधी मीमांसा की बड़ी चर्चा होती है, उन्होंने बहुत बड़ी किताब लिखी थी। और पीसी राय वाली जो बात है एक दवाई की खोज में, भी जब कोरोना के बारे में बात हो रही थी तो कोरोना की दवाई जिन्होंने खोज लिया था वाली बात जो चल रही थी उसमें एक्चुअली वो बात खबर सही नहीं थी, लेकिन जिस पीसी राय की बात होती थी रसायन शास्त्री की उनके अच्छे मित्र थे और उनके बारे में फिर कभी चर्चा करूंगा। तो उनके सुपुत्र थे निरंजन तिवारी जिन्होंने फिल्म डायरेक्ट की थी। कई इस बार में फिर से वही लगभग आर्टिस्ट थे और इस फिल्म में भी लगभग वही गायक थे, लेकिन इस फिल्म का संगीत बहुत हिट है और आज तक हिट है। सुन सुन मोर माया पीरा के संगवारी रे, ये गाना है, चाहे गोंदा फूल गए मोर राजा, ये सब गाने बहुत हिट गाने हुए, लेकिन ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद बहुत एक लंबा अंतराल आया, बीच में वीडियो फिल्म्स बने और छोटी छोटी फिल्मों की पहल होती रही, लेकिन कोई बड़ी फिल्म नहीं बन पाई छत्तीसगढ़ी। उसके बाद
2000 सन 2000 में फिल्म रिलीज हुई मूर्छैया भूया। मूर्छैया भूया छत्तीसगढ़ की पहली कलर थी। इस फिल्म का निर्माता था शिवदयाल जैन और निर्देशक थे सतीश जैन। सतीश जैन जिन्होंने बहुत सारी हिंदी फिल्में लिखी थी वो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे, पहली फिल्म थी जिसको डायरेक्ट कर रहे थे। तो इस फिल्म से मैंने भी अपनी शुरुआत की। 27 अक्टूबर सन 2000 को ये फिल्म रिलीज हुई और ठीक चार दिन बाद छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बन गया। 1 नवंबर से हमारा राज्य अस्तित्व में आया जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। तो 1 नवंबर से राज्य अस्तित्व में आया और 27 अक्टूबर को फिल्म रिलीज हुई। और इस फिल्म में एक गजब की बात यह थी कि ये फिल्म दो बहुत बड़ी फिल्मों के साथ रिलीज हुई। वो फिल्म थी मोहब्बतें और मिशन कश्मीर। मिशन कश्मीर और मोहब्बतें बड़ी बड़ी फिल्में थी, शाहरुख खान एक साथ आ रहे थे और यशराज की फिल्म। और दूसरी जो फिल्म थी वो थी मिशन कश्मीर, उस फिल्म से ऋतिक रोशन, और उसके बाद उनकी फिल्म आई थी मिशन कश्मीर। तो दोनों बहुत बड़ी फिल्म थी और उसके सामने लगी थी मूर्छैया। लेकिन मूर्छैया भूया की एक गजब की कहानी है कि पहले दिन मूर्छैया भूया, दूसरे दिन से उस फिल्म को 5 शोज में चलाया गया यहाँ रायपुर बाबूलाल टॉकीज में, और वो सुपर डुपर हिट थी, बहुत बड़ी हिट थी। उसका रिकॉर्ड कलेक्शन आया, सारी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के रिकॉर्ड, 2400 घंटे चलती थी, 2 टॉकीज में राजी बनाया पा रहा, वो बड़ा अद्भुत रिकॉर्ड था। 109 दिन तक रायपुर में 5 शोज में चली और यहाँ सिल्वर जुबली करते 25 सप्ताह तक चली फिल्म, और यानी टोटल यहाँ 27 सप्ताह तक चली थी बाबूलाल टॉकीज। इस तरह से उस फिल्म ने बहुत जबरदस्त कमाई की और रिकॉर्ड बन गया। उसके बाद छत्तीसगढ़ी फिल्मों के बनने का सिलसिला शुरू हुआ। दरअसल छत्तीसगढ़ी फिल्मों के लगातार बनने का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ और फिर बहुत सारी फिल्में आई, उनमें बहुत सारी फिल्में सफल भी हुई, लाइक मयारू भौजी, मया दे दे मया ले ले, परदेसी के मया, ऐसी बहुत सारी फिल्में आई जो हिट हुई। उसके 1-2 साल बाद फिर अच्छी फिल्में आई, झन भूलो मापला बहुत बड़ी हिट फिल्म थी, वो भी बहुत अच्छी फिल्म आई थी। उसके बाद एक सिलसिला चल पड़ा और छत्तीसगढ़ी सिनेमा अपने दम पर काम करना शुरू किया। इस बीच सरकार की पॉलिसी आई, उस समय जोगी जी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, जो मुख्यमंत्री थे, और जोगी जी ने इस फिल्म को भी देखा, इस फिल्म के सिल्वर जुबली फंक्शन में भी आए, और जोगी जी ने इस फिल्म का टैक्स फ्री माफ किया था, टैक्स फ्री कर दिया था फिल्मों को। एक फिल्म विकास समिति बनी, जो जिसके अध्यक्ष परेश बागबारा जी थे। उसके बाद फिर फिल्मों का दौर ऊपर नीचे होता हुआ, थोड़ा सा टकमकाता हुआ, लेकिन चलता रहा। इस बीच ये हुआ कि छत्तीसगढ़ी फिल्में पूरी तरह से डिपेंडेंट थी बम्बई पर। पहली जो फिल्म बनी थी पूरी तरह से बम्बई के लोग आए थे, पहली और दूसरी, यानी कहीं देवे संदेश में भी पूरी टीम बम्बई की थी, और घर द्वार में भी पूरी टीम बम्बई की थी, और मूर्छैया भूया में भी पूरी टीम बम्बई की थी। लेकिन उसके बाद जो फिल्में आई उसमें मया दे दे मया ले ले से एक नई शुरुआत हुई, जब उड़ीसा से टीम आने लगी, उड़ीसा और मद्रास, तो धीरे धीरे यानी बम्बई उड़ीसा मद्रास यहाँ के टेक्नीशियंस आके यहाँ काम करते थे, धीरे धीरे हमारे साथ यहाँ के जो लोग थे उन लोगों ने काम करना शुरू किया, और काम करते करते उन लोगों ने हर एक चीज को सीखना शुरू किया, और 10 सालों में छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री ने आपको अपने दम पर खड़ा कर लिया। कि हमारी डिपेंडेंसी जो थी, पहले हम एडिट के लिए बाहर जाते थे, पहले हम डबिंग के लिए बाहर जाते थे, बैकग्राउंड बाहर होता चीजें, अब छत्तीसगढ़ में होने लगी। लेकिन ये जितने लोग भी काम करने वाले थे ये लोग कहीं से ट्रेनिंग लेके नहीं आए, ये लोग सब देख देख के अपने अनुभव से सीख रहे थे, और वही हाल लगता है कि यहाँ जरूरत है जिससे लोग नए तरह के प्रयोग करने वाले लोग और नए लोग आए और यहाँ पर काम करें। धीरे धीरे इंडस्ट्री चलने लगी। 2009 में की एक बहुत बड़ी और अच्छी कहानी यह है कि मया फिल्म को HDV फॉर्मेट में बनाया गया था, जो पहले वीडियो कैमरा आता था उसमें, वो फिल्म रिलीज हुई
पहले जो हम लोग काम करते थे वो सेल्यूलाइट पे काम करते थे, रील वाली जो फिल्में होती थी, पहले कैन आते थे बड़े बड़े, 12,000 रुपए का 4 मिनट का रॉय स्टॉक होता था, यानी कितना महंगा होता था आप लोग अंदाजा लगाइए। एरी कैमरों में शूट किया जाता था। तो इस तरह की फिल्मों से, इस तरह के प्रोसेस से जब डिजिटल पे आया, तो डिजिटल पे आने के बाद हमारे रॉय स्टॉक का खर्च ही खत्म हो गया, लेकिन तब तक महंगाई बढ़ गई थी, लेकिन फिल्मों को बनाना शुरू किया गया और मया ने बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड बनाया था। उसके बाद ये जो डिजिटल क्रांति आई, उसके बाद ज्यादा फिल्में बनी और मया की सफलता के बाद बहुत आसान लगने लगा लोगों को फिल्म बनाना। काफी सारी फिल्में आई, काफी सारी हिट हुई, काफी सारी नहीं चली, ये तो हमेशा लगा रहा। लेकिन इस बीच ये रहा कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा को किसी तरह का सहयोग नहीं मिला। जैसे कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा के क्या क्या चैलेंजेस हैं, उस पर भी मैं एक बार बात करूंगा। इस तरह धीरे 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 आज छत्तीसगढ़ी सिनेमा को लगातार फिल्म बनते जो है वो 20 साल हो चुके हैं। 2000 से शुरू हुआ था और आज 2020 है, तो 20 साल हो गए हैं। और 20 साल से मैं इस इंडस्ट्री को देख रहा हूँ, आज तक इस इंडस्ट्री ने जो भी किया अपने दम पर किया। अब हम बात करते हैं इस इंडस्ट्री के चैलेंजेस। इस इंडस्ट्री के जो चैलेंजेस हैं वो ये हैं कि हम लोग दुनिया के सबसे छोटी फिल्म इंडस्ट्री में से एक है जिनके पास थिएटर्स हैं। हम लोग टोटल 35 शहरों के लिए फिल्म बनाते हैं, 35 टॉकीजों के लिए फिल्म बनाते हैं या 50 टॉकीजों के लिए फिल्म बनाते हैं। तो मार्केट बहुत छोटा होने की वजह से फिल्मों का बजट हम बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, हमको बजट को लिमिट में रखना पड़ता है। तो नंबर ऑफ थिएटर्स बढ़ना चाहिए, जैसे भोजपुरी के सैकड़ों थिएटर्स हैं, उनके पास पूरा बिहार, यूपी, बम्बई, दिल्ली, सब जगह फिल्में रिलीज होती है, कलकत्ता में भी रिलीज होती है, क्योंकि यूपी बिहार के लोग पूरे देश में और देश से बाहर भी काफी ज्यादा तादाद में रहते हैं, तो उनका मार्केट काफी बड़ा रहा। साउथ की फिल्मों का भी रहा। अब हमारी इंडस्ट्री के साथ ये रहा कि हमारी इंडस्ट्री में पहले मार्केट था हिंदी सिनेमा का, और उस पर फिर छत्तीसगढ़ी सिनेमा आई, तो हमको अपने लिए जगह बनाने का एक नया चैलेंज था। लेकिन छत्तीसगढ़ी सिनेमा ने अपनी जगह बना ली। यहाँ से एग्जीबिटर्स की, यानी जो सिनेमा घर वाले हैं, उनके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। शुरू में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन बाद में वो अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा था। लेकिन धीरे 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 फिल्में जो अच्छी होती हैं वो बहुत अच्छे से चलती हैं। तो अब जो चैलेंज था छत्तीसगढ़ी सिनेमा के लिए वो ये था कि थिएटर्स यहाँ पे कम है, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पर किसी प्रकार की पॉलिसी नहीं है छत्तीसगढ़ी सिनेमा को लेकर। सब्सिडी मिलती है बहुत सारे स्टेट्स में, बहुत सारी कंट्रीज सब्सिडी देती है फिल्मों को बनाने के लिए, उसका कोई प्रावधान हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं। हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी फिल्मों को दिखाने को लेकर, यानी एग्जीबिशन को लेकर कोई पॉलिसी नहीं। जैसे महाराष्ट्र में कंपल्शन है कि हर मल्टीप्लेक्स को भी और हर थिएटर को आपको मराठी फिल्म दिखानी हो, तो वो इस तरह की भी कोई शर्तें यहाँ पर नहीं हो पाई। कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ से नई पीढ़ी सीख कर आए और नई तरह की फिल्में बनाए, नए प्रयोग करे, इस तरह के कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये इंडस्ट्री चल रही, और बहुत सारे चैलेंजेस हैं यहाँ पर। कलाकारों का कोई इस तरीके से अभी काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ बेहतर, जितना बेहतर हो सके यहाँ पे करें। ये सब समस्याएं तो रही हैं छत्तीसगढ़ी सिनेमा के साथ। और इसमें जो अच्छी बात है, वो अच्छी बात ये है कि ये इंडस्ट्री अपने ऊपर खुद विश्वास रखती और अपने दम पर काम करती है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। दूसरी चीज, बहुत सारी छत्तीसगढ़ी फिल्में हैं जिसको भोजपुरी में रीमेक किया गया है, बहुत सारी छत्तीसगढ़ी फिल्में हैं जिनके रीमेक के राइट्स हरियाणवी में बिके हैं। छत्तीसगढ़ी फिल्म मोर छैया भुइया अभी राजस्थानी में बन रही है, छत्तीसगढ़ी फिल्म को गुजराती में डब किया गया, झारखंडी में डब किया गया, भोजपुरी में डब किया गया, अलग अलग लैंग्वेजेस में डब किया गया, बुंदेलखंडी में डब किया गया। इस तरह से अलग अलग लैंग्वेजेस में डब किए गए फिल्म को यहाँ के स्टोरीज पे काम हुआ। और आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि भोजपुरी की बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में छत्तीसगढ़ में शूट की जाती है। शूटिंग के लिहाज से छत्तीसगढ़ को बहुत सेफ और अच्छी जगह माना जा रहा है। तो यहाँ बहुत सारी हिंदी फिल्मों का और भोजपुरी फिल्मों का भी अब यहाँ पे प्रोडक्शन होने लगा, यानी शूटिंग होने लगी है यहाँ पर। ये अचीवमेंट है अपने दम पर किसी इंडस्ट्री का करना। नेशनल प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ी फिल्मों का अपना एक प्रेजेंस दिखता है।
क्योंकि यहाँ पर जब कोई फिल्म हिट होती है तो वो बहुत लंबे समय तक भी चलती है। ये छत्तीसगढ़ी फिल्मों का सक्सेस है। अभी तक छत्तीसगढ़ी में चार फिल्में हैं जो सिल्वर जुबली हुई, जो 25 हफ्ते से ज्यादा चली हैं, और सौभाग्य से उन चारों का हीरो होने का सौभाग्य मुझे मिला है। बहुत सारी फिल्में हैं जो 100 डेज और 50 डेज की है। यहाँ पे तो क्योंकि एक बजट का लिमिटेशन होता है तो यहाँ पर कह सकते हैं कि फिल्में करोड़ में भी बिजनेस करती हैं और लैक्स में भी करती हैं। तो इस तरह का यहाँ का बिजनेस होता है। ये एक छोटा सा ब्रीफ आप लोगों को मैंने छत्तीसगढ़ी सिनेमा के बारे में दिया। छत्तीसगढ़ी सिनेमा से अब इंस्पायर होकर बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की फिल्में बना रहे हैं, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में अलग अलग तरह की फिल्में बन रही हैं। लाइक एक मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं, तुषार वाघेला। तुषार वाघेला की बहुत सारी फिल्म फेस्टिवल्स में फिल्में जाती हैं, वो फिल्म फेस्टिवल के लिए फिल्में बनाते हैं। और भी बहुत सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं जो अलग तरह की फिल्में बना रहे हैं। जैसे अभी एक फिल्म मनोज वर्मा जी ने बनाई है, भूलन कांदा, तो उसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ी का बहुत इस्तेमाल किया है। बीच में काफी जिक्र भी आया, अनुराग बसु जी अपनी फिल्मों में अक्सर छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हैं, भले यहाँ शूट नहीं करते, यहाँ के लोगों को उन्होंने उतना फिल्मा में, लेकिन फिर भी वो यहाँ का जिक्र करते रहते हैं। सत्यजीत रे यहाँ आकर सद्गति शूट करने आए थे, उन्होंने चिरमिरी में भी शूटिंग की थी, तो सत्यजीत रे साहब यहाँ शूट कर चुके हैं यहाँ पर। और एक और कहानी आई थी विद्या बालन वाली, हमारी अधूरी कहानी, उसमें छत्तीसगढ़ का जिक्र मिलता है। इस तरह से बहुत सारी फिल्में हैं जिनकी शूटिंग छत्तीसगढ़ में की गई, और चरणदास चोर जो फिल्म है उसे खैरागढ़ में शूट किया गया था। तो बहुत सारी फिल्में हैं जिसकी शूटिंग छत्तीसगढ़ में हुई। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे रेनाउंड आर्टिस्ट हैं जो बम्बई में काम कर रहे हैं, बहुत सारी फिल्मों में काम कर रहे हैं, लाइक पीपली लाइफ वाले नत्था हूँ, चाहे संजय बत्रा हूँ, चाहे सोमेश अग्रवाल हूँ, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो फिल्मों में और सीरियल्स में काम कर रहे हैं, या दिनेश नाग हो, इस तरह बहुत सारे कलाकार हैं जो बॉलीवुड में भी एक्टिव हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो नया जनरेशन है, जो नए लोग हैं, उनसे हम लोगों को बड़ी आशाएं हैं। यानी वो लोग मुझे लगता है कि अच्छा करेंगे इस स्टेट के लिए। आप जैसे लोग हैं, आप लोगों में से बहुत सारे लोग फिल्म मेकिंग को का पैशन है आप लोगों के अंदर, आप लोग आके इसमें बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और जब नए लोग आते हैं तो नई सोच के साथ आते हैं, नए तरीके से आते हैं, तो उनके साथ काम करने का एक मजा भी अलग होता है। तो आई होप कि अब सभी लोग जो और काम करना चाहते हैं वो यहाँ काम कर सकते हैं, नए तरीके से, नई तरीके से फिल्म बना सकते हैं। अभी एक बहुत अच्छे डायरेक्टर जो मुझे बहुत पसंद आया वो है मनीष मानिकपुरी। वो मुंबई में काफी दिनों तक एक एडिटर के तौर पे उन्होंने काम किया है, और एडिटर के तौर पे काफी अच्छा काम किया, उनको बहुत अच्छा वर्क एक्सपीरियंस रहा, और अब वो छत्तीसगढ़ी फिल्म बना रहे हैं। अभी हमारी एक फिल्म आने वाली है मार डारे नामा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म काफी अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि टेक्निकली भी काफी स्ट्रांग है मनीष, और यानी उनको सेंस बहुत अच्छा है फिल्म के स्क्रिप्ट का। तो आई थिंक इस तरह के जब नए लोग आएंगे फिल्म करेंगे तो बहुत अच्छा आउटपुट आएगा। तो ये आप लोगों को मैं इन्विटेशन भी देना चाहता हूँ कि आप लोग नई तरीके की फिल्म बनाए, आप लोग आए इस इंडस्ट्री के लिए काम करें, जुड़े यहाँ पर काम करें। उससे नए टेक्नीशियन आएंगे, नए तरीके के लोग आएंगे, नए राइटर्स आएंगे, नए कंसेप्ट आएंगे, तो फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़ती है। और सिनेमा हमेशा परिवर्तनशील रहता है, बदलते रहते हैं, कहते हैं समाज और सिनेमा आईना होते हैं, तो एक दूसरे के आईना होते हैं, तो इस पर आप लोग अपना योगदान दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ी सिनेमा को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझे सवाल जवाब वाले सेक्शन उसमें दौर में आप पूछ सकते हैं। अभी एक्टर का समाज में क्या योगदान, अब मैं कैसे बताऊं कि देखिए कि मैं अपनी बात कर सकता हूं। एक एक्टर के तौर पर आप सोनू सूद के बारे में भी सुनते हैं,
सलमान खान के बारे में भी सुनते हैं और नाना पाटेकर के बारे में भी सुनते हैं। एक एक्टर के तौर पर किस तरह से आप मदद कर सकते हैं ये तो डिपेंड करता है उस कैरेक्टर पर, कि हर किसी का अपना अपना तरीका होता है काम करने। तो अगर एक्टर भी इस समाज का होता है, वो अपने नजरिए से काम करता है, उसका अपना एक प्रोफेशन है एक्टिंग। एक्टिंग और सिनेमा, टीवी या अलग अलग विज्ञापनों और बाकी चीज़ों के जरिए वो जो मैसेज समाज तक देना चाहता है वो देता है हमेशा अपने अभिनय के माध्यम से। हम लोग हमेशा एक प्रयास ये करते हैं कि जब भी कोई फिल्म बनाए तो उस फिल्म में एंटरटेनमेंट हो। फिल्म बनाने का पहला लक्ष्य जो होता है, पहला उद्देश्य जो होता है वो होता है मनोरंजन। और अगर मनोरंजन आपको मिल गया तो फिर जब आप घर जा रहे हो तो आपको एक मैसेज भी अगर साथ में दे दे तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि आपके मनोरंजन के साथ आपको एक मैसेज भी साथ में दें। जैसे अब समाज में योगदान की बात कर रहे हैं आप, छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी समस्या थी पलायन, उस पर केंद्रित था मोर्चा यहाँ। एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम थे, उस पर केंद्रित था मोर्चा यहाँ भूया। घर के आपसी रिलेशन को लेकर बात की, उस पर केंद्रित था मोर्चा यहाँ भूया। मया दे दे मया ले ले जो था वो एक प्रेम कहानी थी, लेकिन उसमें भी एक बहुत बड़ा इशू था कि जो इंडस्ट्रीज आती हैं और कैसे लोगों की जमीनों का दुरुपयोग होता है, बाहर के लोग आते हैं और यहाँ के लोगों का शोषण करते हैं, उस पर केंद्रित था मया दे दे मया ले ले। मया जो था शराब के खिलाफ था। तो हम लोग इस तरह के प्रयास करते रहते हैं कि एक सोशल मैसेज चला जाए समाज में। तो ये एक हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आप कह सकते हैं कि हम लोग समाज के लिए क्या करते हैं। तो ये एक तरीका होता है कि आप अपनी फिल्मों से, अपने काम से लोगों के बीच क्या मैसेज स्प्रेड करते हैं। जैसे मैंने बहुत सारे एड फिल्म बनाए, अगर आप लोगों को याद होगा तो एक मेरा विज्ञापन आया था करू हरे भारी करू हरे, वो जो शराब के खिलाफ विज्ञापन आया था उसका 2 एपिसोड मैंने बनाया था। उसमें मैं बिहाइंड द कैमरा था, उसका डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मैं ही था। तो हम वो शराब के खिलाफ एड था, लेकिन वो बहुत पॉपुलर हुआ। अभी कोई सरकारी एड इतना पॉपुलर नहीं होता जितना वो पॉपुलर हुआ था। एक मेरा एड था 108 के लिए मैंने बनाया था, यमराज वाला जो एड था वो मैंने बहुत पहले बनाया था इस तरह से। और इस एड को तमिलनाडु सरकार ने भी इस एड को कॉपी किया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अपने काम से जो मैसेज देना चाहते हैं, समाज के लिए जो करना चाहते हैं वो करते हैं। और हमारी जिम्मेदारी भी यही है कि समाज में अवेयरनेस लाना और अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से कहना। जो मैसेज हम समाज तक पहुंचाना चाहते हैं उसको ज्यादा आसान और ज्यादा सरल करके बोलना, ये हम लोगों का मुख्य जो टारगेट होता है वो यही होता है। और इसमें एक बात और कहना चाहूंगा कि हम लोग इस काम के अलावा भी बहुत सारा काम करते हैं। लाइक मैं यूनिसेफ का एडवोकेट हूँ, यानी एडवोकेट कहने का मतलब वो लोग अवेयरनेस एडवोकेट बोलते हैं, तो मैं सेलिब्रिटी एडवोकेट बोलते हैं। तो जब भी यूनिसेफ की कोई मुहिम होती, कोई पहल होती है तो उसका मैं हिस्सा होता हूँ। यूनिस के अपील किए, गाने बनाए, एड्स बनाए, बहुत सारी चीजें इस बीच हम कर सकते थे क्योंकि हमारा स्पेशलाइजेशन इस चीज में है। इसके अलावा मैंने कितने लोगों के लिए राशन की व्यवस्था की या मैंने और कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूशन किया, ये बोलना मुझे बिल्कुल उचित नहीं लग रहा है। तो मैं इस पर कोई बात नहीं करूँगा क्योंकि आप जब किसी को रिलीफ देने की बात है तो वो जो आपको करना था आपने कर दिया। इस तरीके से जो मैंने किया वो तो अब यहाँ जिक्र करना, वो काम है एक छत्तीसगढ़ की ब्रांडिंग वाली बात होती थी, छत्तीसगढ़ की जो इमेज बाहर में है उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो लिए मैंने 2-3 काम किए हैं। मेरा एक फोक बैंड है आरुग, आरुग द अनटच। आरुग एक छत्तीसगढ़ी वर्ड है AARUG, जिसका मतलब होता है पाक, पवित्र, अनछुआ, अनटच, नया, नवीन, ताजा। ऐसा मानना है कि छत्तीसगढ़ का संगीत आरुग पवित्र संगीत है और इसे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास मैंने
आरुग बैंड के माध्यम से किया है। इसमें हम सारे ट्रेडिशनल गाने गाते हैं और एकॉस्टिक ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ करना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। तो मुझे एक ट्रेडिशनल म्यूजिक जो हमारा लोग अब नहीं सुन रहे थे, जो लगभग खत्म होने को आ रहा था, उसको हमने फिर से शुरू जिंदा करने का प्रयास किया और इसमें हमें जबरदस्त सफलता मिली। स्टेट में राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर के कार्यक्रम हुए, फेस्टिवल ऑफ इंडिया में हमने ये शो परफॉर्म किया और काफी सफल रहा। उसके बाद अभी मैंने एक नई शुरुआत की है और वो शुरुआत है वाह छत्तीसगढ़। एक मैंने सीरीज बनाना शुरू किया है वाह छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की ऐसी अनटोल्ड स्टोरी, ऐसी अनसुनी कहानियां जो लोगों के पास जिन चीजों की जानकारी नहीं, उस पर रिसर्च करके उस पर मैं स्टोरी सुनाता हूँ। 10-15 मिनट की स्टोरी होती है जिसमें आपको सुनने में बड़ा मजा आएगा कि आपको जब ये पता चले कि टाइटैनिक में छत्तीसगढ़ से कौन था जो सफर कर रहा था। क्या आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में अंग्रेज का मंदिर है? क्या आपको पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की पत्नी का इलाज छत्तीसगढ़ में हुआ था? तो ये ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिसपे मैं उसमें स्टोरी सुनाता हूँ। अभी उसमें कुछ और स्टोरी, नए तरह की स्टोरीज भी सुनाने वाला हूँ, गाँव की स्टोरी सुनाने वाला हूँ। तो मैं आप सबसे भी एक आग्रह करता हूँ कि आपके आसपास भी कोई खास कहानी होगी, अगर आपको लगता है कि इस कहानी को उसमें शामिल किया जाना चाहिए तो आप मुझसे जरूर शेयर करिए। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर भी मैं काम करूँ। हर गांव की अपनी एक कहानी होती है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो आप सभी से मेरा आग्रह है कि अगर इस तरह के कोई आइडियाज आते हैं, अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो मेरे पास हमेशा इन चीज़ों का स्वागत करता हूँ मैं इन चीज़ों का। तो आप बिल्कुल आकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं और तथ्यगत बात करें कि उस पर एक तैयारी करके अगर आप आएंगे तो हम जरूर इन चीजों पे आगे काम कर सकते हैं और ये बहुत हेल्पफुल होगा छत्तीसगढ़ के लिए। अभी हम लोग एक विषय पे और बात करना चाह रहे थे कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा का भविष्य कैसा है। मुझे लगता है कि जो इंडस्ट्री अपने दम पर यहाँ तक पहुंची है उसका भविष्य अच्छा होगा। नई तरह की फिल्में बननी शुरू हो गई हैं, अगर नई नई प्रतिभाएं आएंगे, नए तरीके से फिल्में बनाएंगे तो दुनिया के हर फिल्म फेस्टिवल में छत्तीसगढ़ी फिल्में शामिल होंगी। जैसे बंगाल की फिल्में हैं या मलयालम की फिल्में हैं, ये सब बहुत छोटी इंडस्ट्री, बंगाल की तो बड़ी है लेकिन मलयालम इंडस्ट्री बहुत छोटी है, लेकिन वहाँ पर बहुत अच्छी फिल्में बनती हैं और बहुत सारी फिल्मों को नेशनल अवार्ड मिले हैं, इंटरनेशनल अवार्ड ले जाते हैं। तो जब अच्छी मेकिंग होने लगेगी तो डेफिनेटली हम लोगों की मौजूदगी पूरी दुनिया को दिखाई देगी और उसमें हम सब मिलकर प्रयास कर सकते हैं, बस यही कहना चाहूंगा। और आप लोगों के कोई सवालात हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अब, और अगर इस पर कुछ छूटा होगा तो फिर आप लोगों को सवाल के माध्यम से मैं उसमें जवाब देता जाऊंगा। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, थॉट एंड गाइडेंस। आई एम श्योर that your story will inspire many of us. Now I call my co-anchor for further program. Thank you, Anshu, and thank you, sir, for your wonderful words and guidance. Your word is our privilege. Your presence is our fortunate. You stay safe and do good. That's all we wish and pray. With these words, I start the questions we had collected from all the audience and the guests and also the students who have requested us to question to you. So, shall we proceed, sir? बिल्कुल। तो पहला सवाल ऐसा है सर कि जब भी हम किसी प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं तो हमारा कुछ समय के बाद लाइफस्टाइल में परिवर्तन आ जाता है, तो बेसिकली हम आपने वो प्रोफेशन ज्वाइन किया है जिसके लिए आपने अपने चाइल्डहुड से वर्क किया है, लाइक एक्टिंग, सिंगिंग, और आप हर फील्ड में बहुत एक्सेल करते हैं। तो आपके स्टार्डम और आपके पहले के लाइफ में आपने ऐसा कैसा परिवर्तन महसूस किया है? देखिए, स्टार्डम जो होता है ना वो कभी भी सामने वाले के नजरिए में होना चाहिए। जिस दिन आपके नजरिए में आएगा आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि
लोगों के देखने का नजरिया बदलना चाहिए, खुद को देखने का आपका नजरिया नहीं बदलना। अक्सर लोग यहीं पे फंस जाते हैं कि होता यूं है कि जब आप सिनेमा में दिखाई देते हैं, बड़ी स्क्रीन में दिखाई देते हैं, तो लोगों को बड़ा इंप्रेसिव लगता है कि आप लोग आपके फैन हो जाते हैं, आपके प्रशंसक हो जाते हैं, और इस प्रशंसा में कई बार लोग हो जाते हैं और वो अपने आप को भी दूसरों की नजर से देखने लगते हैं, स्टार वाली बात थी। तो जहां तक मेरा सवाल है, मैं व्यक्तिगत जीवन में पहले जैसा अपने लिए सोचता था, मैं आज भी वैसा ही सोचता हूँ, और मेरे परिवार में या अपने आसपास के लोगों में मुझे नहीं लगता है कि इन चीजों को लेकर कोई बहुत फर्क पड़ा होगा। परिस्थितियां कई बार ऐसी हो जाती हैं कि आप वो फ्रीडम नहीं मिल पाता है कि आप जब अपने परिवार के साथ किसी मॉल में जाते हैं तो आपको लोगों के साथ सेल्फी खिंचानी होती है, लोगों से मिलना होता है, तब आप अपने परिवार के साथ रहते हैं और परिवार वालों को लगता है कि उस समय पे उनका पूरी तरह से अधिकार है, उसमें से और कहीं शेयर जा रहा है, ऐसा लगता है उन्हें। लेकिन ये सार्वजनिक जीवन में ऐसा होता है और इन चीजों का सामना करना पड़ता है। रहा सवाल बाकी लोगों का, तो बाकी लोगों का नजरिया बदलता रहता है। कभी आप किसी के लिए स्टार होते हैं, कभी बहुत क्रेज होता है, कभी क्रेज कम होता जाता है, कभी नहीं होता है, तो और कभी आपसे कोई गलती होती तो वही आपके विरोधी हो जाते हैं, क्योंकि वो हर्ट होते हैं, आपके प्रशंसक होते हैं, आपके किसी गलत कदम से उनका दिल दुख जाता है। तो और आप ये भी नहीं कर सकते कि हर किसी का अपना सोचने का नजरिया होता है, तो आपके किस बात से किसका दिल दुख जाए ये भी आपको पता नहीं चलता है। तो जैसे मैं कभी कोई कार्यक्रम करता हूँ, किसी बात को अगर मैं अपने फेसबुक पेज पे मैं हिंदी में बोल देता हूँ तो लोग बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ी में कार नहीं बोला भैया, तो वो इस बात को समझने की कोशिश नहीं करते कि अगर मैं, जैसे मैं वहां छत्तीसगढ़ हिंदी में बनाता हूँ, हिंदी में बनाने का कारण ये है कि छत्तीसगढ़ से बाहर के भी लोग उसे समझने का प्रयास करें, जाने। लेकिन मुझे जब कहते हैं कि आप छत्तीसगढ़ी में बनाओ ना भैया, तो वो इस बात को समझने की कोशिश नहीं करते कि ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, छत्तीसगढ़ से बाहर के लिए मैं बना रहा हूँ। तो कभी भी कोई भी किसी भी बात से खफा भी हो सकता है, खुश भी हो सकता है, तो इन बातों का सम्मान करते हुए आपको अपनी समीक्षा करते रहनी चाहिए और उसके हिसाब से काम करना चाहिए। लोगों का एप्रिसिएशन मिले उससे आपको डेफिनेटली, किसी को भी खुशी होती है, वो आपके उत्साहवर्धन के लिए होना चाहिए, वो आपके दिग्भ्रमित होने के लिए नहीं। Thank you, sir, for your answer. So, moving towards the next question, जैसे कि हम जान रहे हैं कि अभी क्वारंटाइन का समय चल रहा है और सब अपने घर पे हैं और हम भी इसीलिए ACCC में काफी इवेंट्स करा रहे हैं, तो अच्छा। आप अपने क्वारंटाइन के टाइम में ऐसा क्या इफेक्टिव चीजें कर रहे हैं जो आप सोचते हैं कि हम सबको करना चाहिए? देखिए, मुझे तो सबसे पहले ऐसा लगता है कि जब ऐसा समय मिले तो अपने आप को पहले ऑर्गेनाइज करना चाहिए, कि कई बार हमारे पास समय नहीं होता है, हमारे पास बहुत सारी चीजें हमारी इधर उधर बिखरी होती हैं, हम चीजों को अरेंज करके नहीं रख पाते हैं। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जब भी ऐसा समय मिले तो अपने आप को अरेंज कर। ऑर्गेनाइज करना कि आपकी सारा डाटा है या मेरे बहुत सारे पेंडिंग काम पड़े थे उनको मैंने ऑर्गेनाइज किया, तो सबसे पहले तो ये करना चाहिए मुझे लगता है। नंबर टू कि मैंने क्या क्या किया, मैं ये जरूर बता देता हूँ। मैंने इस दौरान बहुत सारी फिल्में देखी जो मैं कभी नहीं पाता था, इतना समय कम होता था कि मैं फिल्में नहीं देख पाता था। फिल्में देखी, घर को बहुत अच्छे से जमाया, बहुत सारा इधर उधर का सामान था सब ठीक किया, जितने पेंडिंग मेरे काम थे सबको निपटाने की कोशिश किया, मेरी लाइब्रेरी मैंने जमाई, फिर मैंने गाने रिकॉर्ड किए, गाने रिकॉर्ड किए, बहुत सारे गाने बनाए, बहुत सारे स्क्रिप्ट में काम किया, और खेला रोज मैं। पहले मुझे खेलने को नहीं मिलता था, तो लगभग रोज कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी ही होती है, लेकिन इस दौरान मैं बैडमिंटन बहुत खेला, इस दौरान मैं क्रिकेट बहुत खेला, तो अपने फिजिकल फिटनेस पर भी दिया और साथ ही साथ अपने परिवार के साथ मुझे समय बिताने का बहुत अच्छा समय मिला।
और ये बहुत प्रीशियस था मेरे लिए कि एक साथ हम सारे लोग थे और इकट्ठे समय बिताने का मिला समय, ये सबसे इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। इसके साथ मैंने वहां छत्तीसगढ़ की सीरीज बहुत दिनों से सोच रखी थी, शुरू नहीं कर पा रहा था, वो मैंने शुरू कर दी। और अभी मैं पूरे अपने गाने रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी उस प्रोजेक्ट में लगा हुआ हूँ। तो मेरी लगता है कि क्रिएटिविटी के लिए एकांत बहुत जरूरी है, और कुछ किताबें भी पढ़ी। जैसे कि आपने बताया कि आपको फैमिली के साथ टाइम मिला, आप यूजुअली बाहर जाते हैं तो लोग आपको घेर लेते हैं सेल्फी वगैरह के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं होप करूंगी कि सब अपनी लाइफ में एक्टिव रहे, जैसा आपने कहा कि मेंटल और एक्टिव फिटनेस दोनों ही जरूरी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर, जैसा कि आपने कुछ समय पहले बताया कि हमारे छत्तीसगढ़ की फिल्म इंडस्ट्री में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की कमी रही है और थिएटर्स इतने अवेलेबल नहीं होते जो छत्तीसगढ़ फिल्म को चलाने के लिए रेडी हो, और काफी सारी पॉलिसीज हैं, प्लस जो हमारे बिगिनर्स हैं उनको ये नहीं पता होता कि उन्हें एक्टिंग या सिंगिंग प्रोफेशन के लिए अप्रोच क्या है, मतलब उनका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, तो उनके देखिए सब अप्रोच के लिए और ये सब पॉलिसीज के लिए देखिए सबसे उन सब पहली के। चीज सर तो ये। जी जी बोलिए, कंप्लीट आप कीजिए। कंटिन्यू कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए सर, यही था सवाल देखिए, कि हाँ उन बिगनर्स को कैसा देखिए, स्टेप देना चाहिए। सबसे पहली चीज ये है कि मैं अपनी बात करता हूं। मैं एक छोटे से कस्बे से आया, तो वहां मुझे ये नहीं पता था कि लोग सिंगर कैसे बनते हैं, लोग एक्टर कैसे बनते हैं, ये मुझे पता नहीं था। तो लेकिन मन में चाहत बहुत थी, तो जब मैं रायपुर आया तो मैंने कोशिश की संगीत सीखने की। तो मुझे म्यूजिक के ट्यूशन के बारे में पता चला, मैं वहां जाके सीखने लगा, फिर म्यूजिक कॉलेज जाके मैंने सीखा। ऐसे ही अगर आप सिंगिंग में प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो आपको पहले सीखना चाहिए, संगीत सीखने की जरूरत है, के तो कुछ होगा नहीं। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आप एनएसडी की तैयारी करिए, आप एफटीआई जाइए, आप थिएटर करिए। आप जब तैयार होंगे, जब अपने आप को आप प्रिपेयर कर लेंगे, तो जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप परफॉर्म कर पाएंगे। और आप जब पढ़ लिख कर तैयार होकर आएंगे, और अगर आप अच्छे कलाकार रहेंगे, तो आप जब मौका मिलेगा तो बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो सबसे पहली जरूरत है उस चीज को सीखने की, उस चीज को जानने की, उस पर ज्ञान अर्जित करने की, फिर आप उस प्रोफेशन में जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए तैयारी करने के हिसाब से। आई होप कि जिन्होंने भी ये क्वेश्चन किया है उसे ये इनका आंसर मिल गया होगा और साथ में बाकी सब दर्शकों को भी। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, आपने बताया कि आप अभी बहुत सारे गाने लिख रहे हैं और स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और आपकी जो भी नहीं पेंडिंग रहा, प्रोजेक्ट्स वर्क शामिल है। हो रहा हूँ उसमें, शामिल हूँ। ओके मैं गाने नहीं लिखता हूँ, मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ, मैं उस पे यानी मेरा काम दूसरा है। जी ओके तो सर, जो भी आपके पेंडिंग प्रोजेक्ट वर्क है उस पर आप काम कर रहे हैं, तो प्रेजेंटली आप और कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे देखिए, अभी मेरी एक फिल्म आने वाली थी अप्रैल में, उस फिल्म का नाम है मोर यार सुपरस्टार। एक ऐसी फिल्म है जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा इंडस्ट्री का एक जॉइंट वेंचर कह सकते हैं, कि हमने दो फिल्में एक साथ शूट की है, बाई लैंग्वेज, उड़िया और छत्तीसगढ़ी। तो दो लैंग्वेज में हम दो हीरो थे, हर शॉट दो बार पिक्चराइज किया जाता था, और एक बहुत बढ़िया एंटरटेनिंग, बहुत बढ़िया कॉमेडी और बहुत क्लास की बड़ी फिल्म है जो बहुत एंटरटेन करेगी लोगों को, मुझे यकीन है। इस फिल्म के रिलीज की हमारी तैयारी थी, लेकिन अब वो रिलीज आगे बढ़ाना पड़ेगा, कब रिलीज होगा ये तो कोविड के बाद ही पता चलेगा। दूसरी फिल्म मेरी जिसकी हम डबिंग कर रहे हैं अभी, मैं उसकी डबिंग भी कर रहा हूँ इस फिल्म की, मार डारे मयामा। मार डारे मयामा हमारी जो फिल्म आने वाली है उसकी तैयारी चल रही है, अभी उसकी हमारी डबिंग चल रही है, उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। तो ये दो फिल्में हैं जो अभी मेरी आएंगी। इसके अलावा अभी मेरे कुछ गाने रिलीज होंगे एल्बम के,
जिसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारा जो आरुक बैंड है उसके कुछ गाने हैं जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, साथ ही एक जस गीत मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये सब हम फ्यूचर के अकॉर्डिंग रिलीज करते रहेंगे एक के बाद एक इन चीजों को, तो इनमें मैं काम कर रहा हूँ। इसके अलावा नए स्क्रिप्ट पे भी हमारी बात चल रही, कुछ नए प्रोजेक्ट्स की भी तैयारी चल रही। आपका साउंड नहीं आ रहा है मुझे, सॉरी। हम प्रे करते हैं कि आपके सारे प्रोजेक्ट सफल हो और सक्सेसफुल हो। थैंक यू, गुड लक सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और मुझे तो जानने में रुचि है कि जब आपको पद्मश्री सम्मान के लिए आपके नाम की घोषणा की गई थी और आपको प्रेसिडेंट से मिलने का मौका मिला, तब आपका अनुभव कैसा रहा? जब ये अनाउंसमेंट हुआ तो हम लोग वेकेशन पे साउथ गए थे, हम लोग छुट्टियां मना रहे थे पूरे परिवार के साथ, तो हम बैंगलोर में थे उस दिन, और हम लोग एक दिन बाद ही वापस आने वाले थे। ये बात है 25 जनवरी की, क्योंकि 25 जनवरी को ही अवार्ड का अनाउंसमेंट होता है और 26 जनवरी को हम लोग वापस आने वाले थे। तो जब आप किसी प्रोफेशन में अपना पूरा जीवन देते हैं, जैसे जब मैं इस प्रोफेशन में आया एक फिल्म के एक्टर के तौर पर, छत्तीसगढ़ी फिल्म में एक एक्टर के तौर पर जब प्रोफेशनली जुड़ा, तो मैं ये कह सकता हूँ दावे से कि आई एम द फर्स्ट फुल टाइम प्रोफेशनल एक्टर इन छत्तीसगढ़। मैं पहला फुल टाइम प्रोफेशनल एक्टर हूँ छत्तीसगढ़ का जिसका और कोई काम नहीं था, सिर्फ एक्टिंग करना काम था, और मेरा कोई बिजनेस नहीं था और कोई अर्निंग का सोर्स नहीं था। जिस दिन मैंने ये फैसला किया था, आप खुद एक बार इमेजिन करके देखिए, आज से 20 साल पहले अगर कोई यंग लड़का बोले कि मैं एक्टिंग को प्रोफेशन बनाना चाहता हूँ और छत्तीसगढ़ी फिल्मों की को एक्टिंग का प्रोफेशन बनाना चाहता हूँ, तो उसको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा? तो मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था अपने करियर के साथ, अपने लाइफ के साथ, कि एक्टिंग को मैंने करियर बनाने का फैसला किया, और मैं पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, पूरे समर्पण के साथ मैंने अपने जॉब से रिजाइन किया था और मैं सारे काम को छोड़कर एक्टिंग को प्रोफेशन बनाया। इस काम को जब आप इतने बड़े रिस्क को लेते हैं और अपने काम को करते हैं, प्यार से करते हैं, और उसके बाद आपके काम को आपका देश रिकॉग्नाइज करता है, आपका देश इस बात को महत्व देता है और आपको सम्मानित करता है, तो आपको लगता है कि आपने जो जीवन में किया उसकी पूछ परख है, यानी उसकी कीमत है आपने जो किया उसको। तो ये सबसे बड़ा संतोष और एप्रिसिएशन वाली बात है कि आपको और बेहतर करने के लिए और अच्छा करने के लिए इंस्पायर कर बात है। तो मुझे ये बात सबसे ज्यादा अच्छी ये लगी कि अगर मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा समय किसी चीज के लिए दिया तो उसको मेरे देश कॉन्ट्रीब्यूशन को, उस काम को मेरे देश ने एक पहचान दी, मुझे ये चीज सबसे पहले लगा। और रहा सवाल राष्ट्रपति साहब से मिलने का, राष्ट्रपति जी से मिलने का, तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि प्रणब मुखर्जी जी बहुत ज्ञानी और बहुत अच्छे राष्ट्रपतियों में उनकी गिनती होती है, उनसे मिलने का, और इस देश के सबसे सिक्योर जगह पे, सबसे अच्छी जगह पे जहाँ जाने का मौका बहुत कम लोगों को मिल पाता है, वहां जाकर ये पुरस्कार हासिल करने का मौका मिला। मुझे खुशी इस बात की थी कि इस खुशी में मेरा परिवार शामिल हो सका, मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरे भाई, ये सब इस कार्यक्रम में शामिल हो सके, और कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी वो मेरे लिए ज्यादा महत्व रखती है कि मेरे इस सक्सेस में मेरी माँ का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो उनको जब इस बात का संतोष हुआ होगा कि हाँ, कि मैंने जिस बच्चे को परवरिश दी वो उसने कुछ हासिल किया, तो उनको जो संतोष और खुशी थी वो मेरे लिए ज्यादा होगा। Surely, sir, your work, your dedication, your determination and efforts have paid you off. And we are also happy listening to you that entire family and your mom is happy. Because for upbringing any child, a mother does everything she can. And she made it
and you proved it that she did it very well by this award. तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि सर आप बहुत सारे प्रोफेशंस में काम करते हैं, आप छत्तीसगढ़ी फोक सॉन्ग्स गाते हैं, आप एक्टिंग करते हैं, आप डायरेक्ट करते हैं, तो इतने सारे प्रोफेशंस में आपको सबसे अच्छा या पसंदीदा प्रोफेशन कौन सा लगता है? हमें हमेशा मुझे सिंगिंग बहुत पसंद है, जो म्यूजिक सर हो जाए दो लाइन ठीक है हिंदी या छत्तीसगढ़ी? क्या छत्तीसगढ़ी? भोली सुरतिया तोर नैना मा झूले मोर, देखत रही थौ तोरे सपना, कब आबे मोरे अंगना, देखत रही थौ तोरे सपना, कब आबे मोरे अंगना, तोर मिठ बोली हारे मन ला मोहे राजा मोर, बांधी ले माया के बंधना, बन जाते मोरे सजना, बांधी ले माया के बंधना, बन जाते मोरे सजना। थैंक यू सर, सच अ लवली वॉइस यू हैड। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर यूजुअली हम लोग अभी स्टूडेंट लाइफ में चल रहे हैं, फेज तो है स्टूडेंट लाइफ का है, और इसके बाद जो है वो हमारा स्ट्रगल का लाइफ स्टार्ट होता है। तो जब भी हम स्ट्रगल करते हैं तो हमारे लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स आते हैं, तो आपके लाइफ में ऐसा कौन सा सबसे बड़ा फेलियर था जिसको आपने किस तरीके से ओवरकम किया? मतलब उससे मेरी लाइफ क्या है? मेरी लाइफ में सक्सेस से ज्यादा फेलियर है। यस, सक्सेस से ज्यादा फेलियर होता है तभी इंसान इतने बड़े मुकाम पे पहुंचता है। देखिए मेरी लाइफ में मैंने एक किस्सा बताता हूँ आपको। मैं एक किताब पढ़ रहा था स्वामी विवेकानंद, उस किताब में एक लाइन थी जो बात मुझे लग गई कि जब आप अपने अंतिम प्रयास में असफल हो जाएं उसके बाद एक प्रयास और कर। तो मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मैं बचपन से डिफेंस में जाना चाहता था, फौज की नौकरी करना चाहता था। तो मैं बचपन से स्काउट में एक्टिव रहा, स्काउट में मैं 8 साल रहा स्काउट गाइड में, तो उसमें मैंने राष्ट्रपति अवार्ड किया। फिर एनसीसी से मैं सी सर्टिफिकेट करना चाहता था, तो मैंने जब रायपुर आया तो यहाँ पर एडमिशन लेने में मैं लेट हो गया। तो हमेशा एयर विंग एनसीसी में ये नियम था कि फर्स्ट ईयर में जब आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो आपको एनसीसी के फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलता है, और 3 साल में आप सी सर्टिफिकेट करते हैं। अगर आप बी पास कर लेते हैं तो सी के लिए एलिजिबल होते हैं, तब सी सर्टिफिकेट होता है। मैं अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में एडमिशन के लिए गया एनसीसी में। तो जब मैं एडमिशन के लिए गया तो मुझे वहां सीधा मना कर दिया गया कि अब आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो हम आपको फर्स्ट ईयर में कैसे एडमिशन दे सकते हैं। उनकी बात भी सही थी, तो मैं सी सर्टिफिकेट तो नहीं कर पाता। मैं बहुत निराश हो गया, एकदम मुझे बहुत खराब लगा। तो मुझे लगा कि मैं अपने अंतिम प्रयास में असफल हो गया हूँ, एक प्रयास और करता हूँ। उस समय हमारे विंग कमांडर एयर विंग एनसीसी 3 MP एयर स्क्वाड्रन के जो विंग कमांडर थे वो थे BS दौलता साहब, विंग कमांडर BS दौलता। मैं उनके पास मिलने गया और मैंने बोला सर कि मैं सी सर्टिफिकेट करना चाहता हूँ, मैं ऐसा ऐसा स्टूडेंट हूँ, तो क्यों नहीं मिला तुम्हें एडमिशन? मैं बोला सर मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ इसलिए मुझे ऐसा ऐसा कहा जा रहा है। तो बोले इस बात को हम कैसे माने कि तुम 2 साल और पढ़ाई करोगे, तुम क्या लिख के दे सकते हो कि 2 साल और पढ़ाई करेंगे? मैं बोला हाँ सर मैं PG भी करूंगा। तो अच्छा लिख के दो बोला, मैंने लेटर में लिख के दिया कि सर मैं 2 साल और आगे पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करूंगा। उन्होंने मुझे तुरंत एडमिशन दे दी, और जिन 60-70 लोगों का 80 लोगों का जो एडमिशन हुआ मेरे साथ,
उसमें से सिर्फ 7 लोग ऐसे थे जिन्होंने सी सर्टिफिकेट किया उनमें से एक मैं। और मैं 96 में 97 में फिर मैं ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट भी लेकर आया NIC कैंप कलाईकुंडा। तो मेरा ये कहना है कि आप हार मत मानें। तो मैंने सी सर्टिफिकेट कर ही लिया आखिर, मेरे लिए जो प्रावधान हो सकते थे उन्होंने किया और मैंने अपने वादे को निभाया। 2 साल और मैंने पढ़ाई की, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और सी सर्टिफिकेट भी पास किया। फिर मैं जब छैया भुइया का हीरो बन गया था, और जब अब आप फेलियर की बात कर रहा हूं, तो मुझे कॉल आया एयरपोर्ट। जो सी सर्टिफिकेट वाले होते हैं उनका डायरेक्ट SST में आफ्टर इंटरव्यू उनको कमीशन मिल जाता है। तो मैं इंटरव्यू के लिए गया और मैं फेल हो गया। मैं मोर छैया भुइया की सफलता के बाद बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा सपना डिफेंस में जाना। और जब मैं वहां से वापस आया तो मैं इतना डिसअपॉइंटेड हो गया था, इतना निराश हो गया था कि आपको बता नहीं सकता। लेकिन मुझे लगा कि शायद मुझे जीवन में एक्टिंग करनी है, तो फिर मैंने उन चीजों से ओवरकम किया और एक्टिंग को फुल टाइम प्रोफेशन के तौर पर अपनाया। अपनी नौकरी से मैंने रिजाइन किया और जाके इस प्रोफेशन में शामिल हुआ। और आपके पास नतीजा आपके सामने है कि ऐसी कोई चीज जो मुझे चाहिए इस प्रोफेशन ने मुझे ना दी हो, ऐसा मैं कह सकता, सब कुछ दिया प्रोफेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि लहरों से टकराकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अपनी कोशिश के बाद अपनी अपना जो डिफेंस का पार्ट था उसे भी कंप्लीट किया, साथ में हमारे छत्तीसगढ़ को एक ऐसा एक्टर दिया है आपने जो हर चीज कर सकता है, तो इसके लिए हम आपको शत-शत नमन करते हैं। अरे नहीं नहीं ऐसा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये हमारे एक पास आउट सीनियर ने पूछा है, तो उनका कहना है कि जैसे सर हमने देखा है कि अलग अलग चैनल्स होते हैं जिनको रिकॉग्निशन मिला हुआ है, और हम टीवी पे देखते हैं कि भोजपुरी के लिए महुआ चैनल आता है, और मराठी के लिए अलग चैनल होता है, पंजाबी के लिए अलग चैनल होता है। तो उनका कहना ये है कि छत्तीसगढ़ी चैनल को रिकॉग्निशन के लिए अब तक क्यों नहीं काम किया गया, और अगर करना है तो आगे क्या कर सकते हैं? देखिए, इन सब चीजों में एक रखती हूँ, मार्केट साइज। मार्केट का साइज क्या है, आपको देखने वाले कितने लोग हैं और वहां से कितना रेवेन्यू आएगा। न्यूज चैनल्स का ऐसा होता है कि अगर आप न्यूज चैनल को विज्ञापन नहीं देंगे तो आपके एंटी न्यूज चला देंगे। बहुत मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म में ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ न्यूज चैनल, लेकिन एंटरटेनमेंट चैनल पूरी तरह से व्यावसायिक होता है। उस पर अगर विज्ञापन नहीं मिलेंगे उस खर्चे को उठाने के लायक, उसके अपने खर्चे होते हैं, तो वो संभव नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है इस पे काम किया जाना बहुत जरूरी है। लेकिन अब दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है, अब OTT प्लेटफॉर्म पे सारे लोग आ चुके हैं। अब कोई न्यूज को चैनल पे नहीं देखता है, अब लोग न्यूज अपने फेसबुक पे देखते हैं या यूट्यूब पर देखते हैं या उसको अपने फोन पर देखना पसंद करते हैं। OTT पे कुछ लोग प्रयासरत हैं कि OTT प्लेटफॉर्म पे छत्तीसगढ़ी चीजें आ जाएं, तो मेरा ख्याल है जल्दी आ जाएंगे। यूट्यूब पर काफी मटेरियल अवेलेबल है। अब रहा सवाल चैनल का, तो अब मुझे लगता है कि चैनल टीवी चैनल्स का बहुत लंबा भविष्य मुझे नहीं दिखाई देता है। सारी चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी मुझे ऐसा लगता है, और सब कुछ नेट से ही अब ऑपरेट होने लगेगा, और उसमें जो कंटेंट आना होगा वो आएगा, और मुझे लगता है कि ऐसा बहुत जल्दी हो जाएगा। उसमें बहुत समय मुझे नहीं लगता है कि उसमें लगेगा, और आई होप कि ऐसा होने वाला है जल्द। हमको इंतजार रहेगा सर कि हमें और भी कंटेंट्स मिले। दूसरा सवाल यह है सर कि जैसे कि आप जान रहे हैं कि लॉकडाउन है, हमारा स्ट्रगल लाइफ यहीं से शुरू हो गया। कोरोना आ चुका है, लास्ट ईयर वालों के साथ ऐसा चल रहा है कि एग्जाम्स होंगे एग्जाम्स नहीं होंगे, किसी चीज का आइडिया नहीं। तो हमारे लिए तो ऐसा सिचुएशन है कि वी कांट थिंक ऑफ अवर फ्यूचर ऑल्सो, कि हमको आगे अब क्या करें, लाइक हम लोग एक जगह पे स्टक हो गए।
और ऐसा है कि जितने भी लोग इस लाइव इवेंट को देख रहे हैं उसमें मोस्ट ऑफ द लोग स्टूडेंट्स हैं, तो मैं यही चाहूंगी कि आप एक ऐसा मोटिवेशन या मैसेज दें कि वो लाइफ टाइम उस चीज को याद रखे और अपने लाइफ में उस चीज को लेके एक्सेल करे। देखिए, ऐसा समय हर किसी के जीवन में आता है कि वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है, कहीं ना कहीं उसके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है कि भाई अब हम क्या करें। तो उसके लिए एक ही शेर मुझे लगता है कि अब क्या सोचे क्या होना है, जो होगा अच्छा होगा, पहले सोचा होता पागल अब रोने से क्या होगा। तो सबसे जरूरी चीज ये कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप एक बात इमेजिन करिए, घटना होने वाली होती उसका डर ज्यादा बड़ा होता है, जब हम उस चीज का सामना करते हैं तो वो उतनी बड़ी समस्या नहीं होती। कई बार हम चीजों को सोचकर, उसी को बार बार सोचकर, उसके लिए परेशान होकर अपने भय को इतना बढ़ा लेते हैं कि उस समस्या से वो भय बड़ा हो जाता है। मैं आपको सच बोलूं, आप जो भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में उसको स्टेप बाय स्टेप शुरू करिए। मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं कि अगर वो समस्या आपके पास आई है तो वो सिर्फ ये सोचकर आई है कि इस दुनिया में आप ही वो इंसान है जो उस समस्या को सुलझा सके। तो आप समझ लीजिए कि आप कितने कैपेबल हैं कि उस प्रॉब्लम ने आपको चुना है कि आप उसको सॉल्व करें, उसको शांति प्रदान करें, उसको खत्म करें, तभी आपके पास वो समस्या आई है। और आप यकीन मानिए, अगर कोई समस्या आपके पास आई है तो इस दुनिया में आप ही वो मनुष्य हैं जो उसको सॉल्व कर सकता है। बस आप इस बात को याद, और उसको स्टेप बाय स्टेप छोटा छोटे टुकड़ों में बांट के आप उसको सॉल्व करेंगे, डेफिनेटली आप उसको सॉल्व कर लेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि इतनी बड़ी समस्या है, नौकरी है, क्या है, कैसे करेंगे, फ्यूचर क्या होगा। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करना शुरू करिए, आप बहुत अच्छा करेंगे अपने लाइफ, और हर कोई अच्छा करेगा। लेकिन जो लोग एफर्ट नहीं करते, उस प्रॉब्लम को, उस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते, वो लोग हमेशा उस प्रॉब्लम में फंसते रहते हैं। आप सॉल्व करने की कोशिश तो करिए, आप डेफिनेटली बाहर आए, डेफिनेटली बाहर आएंगे, और अच्छे से बाहर आएंगे, और आप मजबूत होकर बाहर आएंगे। लोग हमेशा समस्या को देखकर डर जाते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते, उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश नहीं करते। हो सकता है आप कोई गलत दवाई खाएंगे तो रिएक्शन होगा, ठीक है, लेकिन आप दवाई खाएंगे तो रिएक्शन को काटने फिर कोई दवाई आएगी, फिर आपका इलाज हो जाएगा। लेकिन आप गलती तो करिए, लोग गलती करने से डरते हैं। मैं बोलता हूँ कि आप गलती कर लीजिए और सही अपने आप होने लगेगा। ऐसे मेरे जीवन में एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त था जो इतना डिटर्मिंड था डांसर बनने के लिए, मेरा एक परिचित है, वो लड़का इतनी कड़ी मेहनत किया था कि सिर्फ वो 4 घंटे सो पाता था, सिर्फ 4 घंटे, 4 घंटे सोता था। वो एक जगह नौकरी करता था, वहां नौकरी करने जाता था, फिर डांस क्लास जाता था, फिर सुबह जिमनास्टिक की क्लास जाता था। और वो बंदा बहुत अच्छा डांसर नहीं था, मैं उसको देखता था तो मुझे लगता था ये डांसर कैसे बनेगा। आप सबको बता दूं कि स्लम डॉग मिलियनेयर में वो डांसर है, उसने बहुत सारी फिल्में की, ऐसा कोई अवार्ड फंक्शन नहीं हुआ जिसमें उसने डांस ना किया हो, लेकिन उसके अंदर वो डिटर्मिनेशन था, वो डिटर्मिंड था कि मुझे डांसर बनना है, वो एकदम वो जीवट था, और उसने उसके पीछे खूब मेहनत की और उसे वो सफलता मिली। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं, आप उसको पार्ट पार्ट में अपनी समस्या को सॉल्व करना शुरू करिए, अपने आप सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। आपके इस मैसेज से सबको ये समझ में आ गया होगा कि हमें अपने डर को और फियर को कंट्रोल करने की जरूरत है, और अपने हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्लान वे में सोच के आगे बढ़ने की जरूरत है। उस प्रॉब्लम को देख के हमें रुकना नहीं है, डरना नहीं है, और कंटिन्यूसली उसके सॉल्यूशन के लिए काम करते रहना। थैंक यू सर। सर, लास्ट क्वेश्चन ये है कि सबकी तरफ से एक रिक्वेस्ट आया है कि यूजुअली आपका एक बहुत फेमस सॉन्ग है आई एम सॉरी गौकिन सॉरी, का करो का करो हो गए तुझसे यारी, तो हम चाहते हैं कि आप इसके इस गाने को गाएं और उसके पीछे की हिस्ट्री हमें बताएं कि इस गाने को कैसे सोच के बनाया गया। एक्चुअली ये गाना है फिल्म झन भूलो माँ बाप ला। हाँ, फिल्म का इस गाना ट्राज स्टूडियो मुंबई,
मुंबई की शूटिंग है, वहां सेट लगाए थे इस गाने का और वहां शूट किया था हमने। तो ये गाना सतीश जैन जो उस फिल्म के डायरेक्टर थे उनका आइडिया गाना होना चाहिए, बहुत अच्छा सीन था उसमें। हीरोइन जो होती है उसको मैं सॉरी बोलते हुए गाता हूँ। तो हाँ ओह तो ये जो गाना है ये हमने शूट किया था और इस गाने की बड़ी दर्दनाक कहानी है। दर्दनाक कहानी ये है कि इस गाने को मैंने पूरा दिन पूरा रात यानी लगभग मैंने इस गाने को 2 दिन शूट किया था और सोने को नहीं मिला था मुझे इस गाने। और इस गाने की एक कहानी और थी कि जब इसी गाने से हमारी फिल्म की शूटिंग का पैकअप हुआ था, तो शूटिंग का पैकअप हुआ था तो जो लास्ट शॉट था उसमें पूरी यूनिट ने मेरे साथ बहुत बदमाशी की। वो लोग क्या करते थे कि लास्ट शॉट था तो मैं क्लोज शॉट दे रहा था तो डायरेक्टर और कैमरामैन ने मिलकर प्लानिंग कर लिया था कि आज अनुज शर्मा को बेवकूफ बनाएंगे। तो मैं शॉट बोलता था यार मजा नहीं आया, एक और शॉट करते हैं, फिर एक और शॉट, ऐसा करके उन्होंने 40-50 टेक और मैं एक के बाद एक शॉट दिए जा रहा था और उस पूरी यूनिट मेरा मजा ले रही थी। कैमरा बाद में फिर उन्होंने कैमरा ही चालू नहीं किया, मैं बोला आप चीटिंग हो रही है यार। तो बहुत अच्छा सुंदर सा किस्सा उसका याद है, हरीश भाई थे, हरीश जोशी जो थे वो एक फिल्म आई थी विवाह, शाहिद कपूर और सूरज बड़जात, फिल्म के सिनेमेटोग्राफर हरीश भाई जो कि झन भूलो माँ बाप ला के सिनेमेटोग्राफर थे। तो ये सारे लोग थे, काफी हंसी मजाक में गाना हुआ था तो वो गाना मैं सुना देता हूँ। आई एम सॉरी अरबा सॉरी गौकिन सॉरी जौहर सॉरी का करो हो गेतर से यारी आई एम सॉरी। ये गाना अलग तरह का गाना था तो करने में मजा भी आया और काफी पसंद भी किया जाता। थैंक यू सर, मेरे सवाल वैसे तो खत्म हो गए लेकिन जी. आपकी कन्वर्सेशन में आपने जैसे बताया कि आपने बैंड स्टार्ट किया है आरुद करके जी. तो सर जैसे कि उस बैंड में किसी को ज्वाइन करने का मन है या आपसे अप्रोच करने का मन हो तो आप उन लोगों को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, मतलब क्या गाइड करेंगे? देखिए सबसे पहली बात, हमारे बैंड में कोई गिटार उटार नहीं बजता है, हमारा बैंड ट्रेडिशनल बैंड है। अगर कोई बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट प्लेयर है या कोई बहुत अच्छे सिंगर है तो दोनों के लिए स्कोप है, अच्छे लिरिक्सिस्ट हैं तो भी स्कोप होता ही है। तो आके मुझे मिलें, अपना वीडियो भेजें, मुझे मेल करें, अगर मुझे लगता है कि उनको हमारे बीच होना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए तो मैं डेफिनेटली उनसे मिलूंगा और अगर उनमें मुझे दिखता है कि वो हमारे बैंड के लिए सुटेबल होंगे तो उनके लिए बिल्कुल दरवाजे खुले हैं। थैंक यू सर जी। और मेरे सवाल तो यहाँ खत्म हो गए हैं एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू हियर यू आउट एंड नाउ मूविंग टुवर्ड्स आई विल कॉल वन ऑफ माय जूनियर एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ACCC मनीष जोशी टू गिव वोट ऑफ थैंक्स। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, आपकी बात सुन के और आपका एक्सपीरियंस जान के हम बहुत ही मोटिवेट हुए हैं, हम इंजीनियर्स के लिए बहुत ही मोटिवेशन का ये बहुत इसी प्लेटफॉर्म में ये जो इवेंट हो रहा है वो सब बहुत ही खुश है इससे। और आपने जो छत्तीसगढ़ के लिए किया वो बहुत ही सराहनीय है सर, आपने अपने ऊपर भरोसा किया, बिलीव इन यूरसेल्फ जिसे कहते हैं हम, वो बहुत ही जान के हम बहुत ही एक्सपीरियंस आपका करेंगे और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट भी करेंगे। सर इस इवेंट को खत्म करने से पहले मैं एक सारे इंजीनियर्स की तरफ से एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। सर जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ है वो बहुत ही नेचुरल रिसोर्स से फुल ऑफ भरा हुआ है और यहाँ पे बहुत ही टैलेंटेड पर्सन भी है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में IT सेक्टर और कंपनीज की बहुत ही कमी है, हमारे इंजीनियर्स को यहाँ से बाहर जाना पड़ता है, वो बहुत ही टैलेंटेड है और बहुत ही बड़े पोजिशन तक भी पहुंचते हैं। तो सर छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री इस चीज के लिए इंजीनियर्स के लिए क्या कर सकती है सर, मैं ये जानना चाहूंगा सर।
देखिए बिना इंजीनियर्स के तो दुनिया संभव है ही नहीं, और ऐसा कौन सा फील्ड है जहां इंजीनियर्स नहीं है। हमारी इंडस्ट्री में वीएफएक्स का बहुत काम होता है, तो आपको मैं बताऊं, आपको जान के खुशी होगी कि बहुत सारे वीएफएक्स के ऐसे लोग हैं जो यहाँ बैठ के बाहर का काम करते हैं। बहुत सारे म्यूजिक कंपोजर ऐसे हैं जो यहाँ पर बैठ के बाहर का म्यूजिक रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरह से काम आप ऑनलाइन करते हैं, दुनिया बहुत छोटी हो गई है। आज मुझे ये बताइए, ऐसे इंजीनियर्स के नंबर को आप निकालिए पूरी दुनिया में जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो डिस्टेंस तो कोई मायने ही नहीं रखता यार। आप तो यानी ये तो खत्म हो चुकी है बात कि अब डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता। आज ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में स्कोप नहीं है? पूरी दुनिया आपकी है। मैं एक चीज कहूंगा कि एक बहुत अमीर खुसरो ने बहुत अच्छी बात लिखी थी, उसको बहुत सरल शब्दों में मैं बता रहा हूं कि खुसरो दरिया प्रेम का वाकी उल्टी धार, जो तैरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। आपको डूबना पड़ेगा, फिर अपने आप जिसे प्राप्त करना चाहते हैं वो मिल ही जाएगा। जो लोग ऊपर ऊपर जो तैर के निकल जाते हैं उनको वो कभी मिल ही नहीं सकता। तो डूब जाइए आप अपने काम में, और अपने काम में ऐसा एक्सपर्टीज आए कि लोग आपसे काम कराने आपके घर पे आए। जैसे मैंने तय कर रखा था कि मैं छत्तीसगढ़ छोड़कर नहीं जाऊंगा, और मैं नहीं गया, तो क्या इसका मतलब मैंने बाहर की फिल्में नहीं की? मैंने की, मैंने 3 भोजपुरी फिल्में की, 1 हिंदी फिल्म की, तो मैं सब कुछ यही रहते हुए किया। मैं जाता था उनके यहाँ, काम करता था, वापस रायपुर आ जाता था, फोन पे बात हो जाती थी, सुबह की फ्लाइट में बैठे वहां पहुंच के बात किए, शाम की फ्लाइट पे वापस आ गए। बहुत मुश्किल नहीं है अब काम करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा सोच के हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। आप अपने काम को और अपनी धार को ऐसा करिए कि आप अपने घर से बैठ के काम करें और लोग आपके पास काम के लिए आए। बहुत आसान हो गया, बहुत मुश्किल नहीं है। सर आपका तो और जान के बहुत ही खुशी हुई हम सबको, और हम इसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम सब इंजीनियर्स यहाँ पे छत्तीसगढ़ का नाम बढ़ाएंगे, और आशा करते हैं कि आप सब, आपका जो जितना भी प्रोजेक्ट है वो सब सक्सेसफुली हैंडल हो। और लास्ट वोट ऑफ थैंक्स हम आपको देना चाहेंगे सर, इट वॉज अ ग्रेट डे टू हैव यू सर, थैंक यू सो मच। आपने अपना बहुत ही बहुमूल्य टाइम हमको दिया और मोटिवेट भी किया, सारे क्वेश्चंस के इम्पोर्टेंस हमको दिए। और आई ऑल्सो वेंट वॉन्ट टू थैंक यू ऑल द व्यूअर्स फॉर वॉचिंग एंड बींग विद अस। आई ऑन बिहाफ ऑफ GEC रायपुर वुड विश यू ऑल द लक टू अनुज सर फॉर हिज अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक प्रिंसिपल सर GEC रायपुर डॉक्टर RS परिहार सर, पूर्वा मैम HOD, एंड फैकल्टी इंचार्ज ऋषभ सर and Priyanka ma'am. So good day, stay safe, thank you sir. मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोगों से मुझे हमेशा फीडबैक मिलता है। मैं चाहता हूँ कि मेरा वाह छत्तीसगढ़ सीरीज जो है यूट्यूब पे और मेरे फेसबुक पे, वो आप जरूर देखें, मुझे फीडबैक दें, तो मुझे बेहतर करने को आप लोग बता पाएंगे। आप लोगों का भी अपना एक नजरिया होता है, वो जरूर आप देखिए। और ऐसा लगता है कि कोई और समीक्षा होनी चाहिए, जरूर करिए। Thank you. जी सर बिल्कुल, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर।